दोस्तों इस वीडियो में आप जो देख रहे हैं ये सैमसंग S20 अल्ट्रा का मैक्सिमम जूम मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखें तस्वीर अभी मैं बना रहा हूँ इससे। तो अगर आप तस्वीर लेना चाहते हैं मैक्सिमम जो जूम की ऑप्शन आपके पास होती है वो 100 टाइम जूम होता है। अभी ये 30 टाइम जूम है तो अभी ये 100 टाइम में कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ये काफ़ी ब्लर आ रहा है, स्टेबलाइजेशन जो है ना काफ़ी ख़राब है इसकी। अगर आप मोबाइल किसी जगह पे रख लेना तो फिर जो है वो तस्वीर आपको नज़र आएगी, अदरवाइज़ नज़र नहीं आती। अगली जगह जो है ना स्टेबलाइजेशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। अभी जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो की जो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन सॉरी जूमिंग है वो 20 टाइम जूम में कर सकता हूँ, लेकिन उसमें जो है छोटे कैमरे से, मेन कैमरे से नहीं। अभी ये देखें मैं मेन कैमरे से मैक्सिमम जूम करके आपको दिखाऊंगा। जूमिंग जो है ना वो तकरीबन वीडियो से और तस्वीर की जो जूमिंग है वो तकरीबन सेम ही है, लेकिन फ़र्क पता है क्या चीज़ किस चीज़ का है? वीडियो में स्टेबलाइजेशन अच्छी है और तस्वीर में जो है वो काफ़ी स्टेबलाइजेशन जो है आउट ऑफ कंट्रोल रहती है। ये देखें मैक्सिमम जो है जूम। ये देखें चांद का जूम करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमम 20 टाइम। ठीक है, ये मैक्सिमम जूम है। देखें अभी ये बिल्डिंग कितनी दूर है थोड़ा सा आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। ये 0.5, 1 मल्टीप्लाई बाई जूम, 2 मल्टीप्लाई बाई जूम, 4 मल्टीप्लाई बाई जूम, 10 मल्टीप्लाई बाई जूम और ये 20 मल्टीप्लाई बाई जूम। किसी घर झांकना हो बंदा इतने दूर से झांक सकता है, देख सकता है। ये देखिए नॉर्मली ये है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जलाल हुशमदीद, कहता हूँ आपको। दोस्तों मैं आपके साथ सैमसंग S20 अल्ट्रा का जो कैमरा है इसका डिटेल रिव्यू शेयर करने वाला हूँ। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, आपको इजी लफ्ज़ों में अगर बताऊँ तो लो लाइट में ये अपनी क्वालिटी जो है वो लूज़ करता है, इतनी अच्छा रिज़ल्ट नहीं है इसका लो लाइट में। और आउटसाइड जो है जब सूरज वगैरह हो उसमें जो है इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहता है, और वीडियो के लिहाज से इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और जो जूमिंग के लिहाज से है वो इतना अच्छा मुझे नहीं है इसका अच्छा लगा, पसंद नहीं आया। और जो 108 मेगापिक्सल इसका कैमरा है ना, उसमें जो है कि उसमें एक तो टाइम बहुत लगा था तस्वीर, अगर आप तस्वीर उससे लेंगे टाइम बहुत लगाएगा, और अगर आप उससे वीडियो बनाएंगे 8K से वीडियो बनाएंगे, इसमें ऑप्शन भी है, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर सकते, अक्सर जो है फाइल फॉर्मेट दे देता है, तो फाइल नॉट फाउंड इस तरह दे देता है ना। दोस्तों ये 8K से वीडियो बन रही है, अभी देखें 8K का रिजल्ट बिल्कुल जो है बर्फ वो बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है, रात को भी। ये देखें वो क्या बात है यार, रात को भी जो है ना बर्फ बिल्कुल सफेद दिखा रहा है, तो ये 8K का कमाल है। दोस्तों ये सैमसंग जो है S20 अल्ट्रा उसका जो नॉर्मल कैमरा है उससे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखें थोड़ा जूम करता हूँ इसके साथ, ये देखें सैमसंग के मोबाइल में ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ये S20 में आई है, इससे पहले नहीं थी। आप बैक से फ्रंट कैमरे पे फौरन जो है क्लिक से आ सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है फ्रंट पे ना स्क्रीन पे, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शन है।
दोस्तों अभी सुपर स्टडी मोड जो है मैंने ऑन किया हुआ है सैमसंग का, तो अभी जो है काफ़ी जो है ना रोशनी है और सफेदी है, इस वजह से जो है रिज़ल्ट आपको काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा होगा इसका। वैसे जो सैमसंग का मोबाइल है इसका सुपर स्टडी मोड जो है ना, अगर आप ऑन करें और लो लाइट में ना, तो उसमें वीडियो क्वालिटी जो है वो बहुत लूज़ करता है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये अल्ट्रा HD 30 फ्रेम पर सेकंड से बन रही है, तो अल्ट्रा HD 30 फ्रेम से बन रही है और इसके बाद जो मैं बनाऊंगा वो 60 फ्रेम से बनाऊंगा, तो देखते हैं फ़र्क क्या है इसमें, ज़्यादा आप कुछ फ़र्क ढूंढ सकते हैं या नहीं। ये अल्ट्रा HD 60 फ्रेम पर सेकंड से वीडियो देखें, कोई डिफरेंट आपको नज़र आया तो बताएं। अभी ये वीडियो फुल HD 60 फ्रेम पर सेकंड से बन रही है, फुल HD ये देखें। अभी ये वीडियो HD में बना रहा हूँ 30 फ्रेम पर सेकंड से, देखें फुल सिर्फ HD में बन रही है ये वीडियो, ये देखें। ये लाइव फोकस पे वीडियो बना रहा हूँ अभी, इसमें जो है बैकग्राउंड जो होता है वो ब्लर हो जाता है, ठीक है, तो देखते हैं कैसी बनती है वीडियो। ये न्यू फीचर आया है इसमें, इसमें अगर आप चेंज करना चाहें बैकग्राउंड को, ये देखें, ये देखें, और इसमें ये देखें फ्रंट पे दे रहा ऑप्शन दे रहा है, अभी बिल्कुल जो है पानी पानी दिखा रहा पीछे, ये देखें, और इसमें ये भी ऑप्शन नहीं था, ये रेशियो अभी 1.1 में यूज कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये चेक करें, इसको फ्रंट में तब्दील करते हैं। दोस्तों ये सैमसंग का सुपर स्टडी मोड जो है वो मैंने ऑन कर लिया, ये देखें, तो अभी मैं बैक साइड पे करके थोड़ा दौड़ के आपको दिखाता हूँ, स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं इसकी। अभी बगैर सुपर स्टडी मोड के चेक करते हैं, तो डिफरेंस आप चेक करना। अभी डिफरेंट आप खुद ही चेक कर लें सुपर स्टडी मोड ऑन करके और ऑफ करके कितना फर्क है। अभी फ्रंट कैमरा चल रहा है, तो अगर आप स्क्रीन पे एक दफा टच करेंगे ना इसकी, अगर आप ब्राइटनेस जो है ब्राइटनेस देखें ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ये देखें कम होगी और ये ज़्यादा होगी, तो ये डिपेंड करता है कि मौसम किस तरह का है, उस लिहाज से आप सेटिंग भी कर सकते हैं। ये फुल ज़्यादा है मैक्सिमम और ये मिनिमम, तो फ़र्क आप देख सकते हैं इसमें। तो अभी देखें, देखें ये लो हो गया, ठीक है, इसमें डिटेल्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, और इसमें बिल्कुल जो है लाइटिंग, ये देखें, और इसमें आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ फिक्स कर देना जो भी आपको ब्राइटनेस आपको पसंद हो, उस लिहाज से आप सेटिंग भी इसकी कर सकते हैं, तो वैसे जो है मिडल में रहता है दरमियान में। ये फ्रंट कैमरे से अल्ट्रा HD 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो देख रहे हैं आप। अभी बिल्कुल जो है शाम का टाइम तो नहीं कह सकते, लेकिन बादल छाए हुए हैं ना, सूरज बिल्कुल नहीं है, तो देख लें कितना प्यारा रिजल्ट आ रहा है। तो फ्रंट से जो है अगर आप बैक पे जाना चाहें डायरेक्ट, तो ये भी ऑप्शन है एक क्लिक से, ये फ्रंट से, फ्रंट कैमरे से डायरेक्ट आप बैक पे चले गए,
और साथ आपको ये भी ऑप्शन है, अगर आप तस्वीर लेना चाहें तो डायरेक्ट आप तस्वीर भी ले सकते हैं, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। दोस्तों अगर 8K से आपने वीडियो बनानी हो तो बिल्कुल आप जो है ना मोबाइल को इस तरह पकड़ें ताकि मोबाइल भी ना हिले और आप भी ना हिलें। ये अभी 8K पे वीडियो बन रही है, ये देखें। अभी ये सिंगल मोड जो है मैंने ऑन किया हुआ, इसमें आप जो है कैमरे को मुख्तलिफ एंगल्स पे मूव कर सकते हैं, मतलब जिस तरह वीडियो बनाते हैं तो उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की ये वीडियो लेता है, पिक्स लेता है ऑटोमेटिक। अभी ये 60 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो बन रही है, अल्ट्रा एचडी पे बन रही है, ये देखें। दोस्तों अभी ये 8K से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ये चेक करें। 8K से आप बैक पे नहीं आ सकते, मतलब फ्रंट कैमरा जो है आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। दोस्तों अभी अल्ट्रा HD 60 फ्रेम पर सेकंड से वीडियो बना रहा हूँ S20 अल्ट्रा से, ये रिजल्ट देखें। अभी अभी जो है स्ट्रीट लाइटिंग की वजह से चेहरा चमक रहा है काफी बर्फ है पीछे।